हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जमजम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पता है ये हो रहा है कि जितना मतलब मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ या जितना भी कह लो कि बहुत ज़्यादा अभी अपनी लाइफ को लेके बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ उतना ही ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ मैं निकाल के अपनी जान को बैठ जाती हूँ। तो मेरे पकवान ही नहीं खत्म हो रहे तो आज मैं बनाती हूँ। वही होता ना कि फिर बंदा यही सोचता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। आज एक्चुअली घर में कोई मतलब वैसी सब्ज़ी नहीं थी, जैसे हरी सब्ज़ी वगैरह कुछ ऐसा होता ना, तो ऐसा कुछ था नहीं। और बाबूजी अभी काम पे थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, तो पापा जी का भी काम बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर चल रहा है, दिवाली का टाइम है आप लोगों को पता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसको परेशान करूँ, तो मैं घर में से निकाल के कुछ बनाती हूँ। एक दिन पहले मैं ऑलरेडी दाल बना चुकी थी, तो अब मेरा दाल बनाने का तो एटलीस्ट मन नहीं था, तो मैंने सोचा फिर क्या बनाऊँ। तो फिर मेरी नज़र पड़ी बेसन के ऊपर। तो बेसन देख के मुझे मतलब पुराना अपना टाइम याद आ गया कि हमारे मतलब मायके में हम लोग बेसन के गट्टे बड़े बनाते थे और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। बेसन के गट्टे ना ज़्यादा अच्छे तो चावल के साथ ही लगते हैं, तो मैं चावल के साथ ही बनाऊँगी। मैंने भी शपथ खाई है कि बेसन के गट्टे ज़्यादातर मैं अभी बना रही हूँ ना, तो मैं इसे चावल के साथ ही निपटाऊँगी। तो बड़ी अच्छी डिश होती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है रेडी। मैं इसको खाऊंगी विद चटनी। ज़्यादा ज़ोर से बोलूंगी नहीं क्योंकि छोनू यहाँ पर सो रही हैं, ये नहा धो के अपने फ्रेश होके सो रही हैं। मालिश कर दो और नहला दो ना बच्चों को, तो काफ़ी अच्छी नींद आती है, तो बच्चे 2-4 घंटे के लिए सो जाते हैं। यहाँ मैंने इसे सुला दिया है और अब मैं जल्दी खाना खा लूँ, 3 बज रहे हैं, भूख के मारे बड़ा बुरा हाल। ठीक है, तो फिर खा लूँ और मिलूँगी बाद में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और मैं मतलब शाम से लगी पड़ी हूँ इसे मतलब इसी के साथ हूँ और बड़ी मुश्किल से हमने रात का डिनर किया है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। तो मैं ये कैंडल जला के क्यों बैठी हूँ आधी रात को, क्योंकि मैं ना करने वाली हूँ शोना की वो सिकाई, और सिकाई करूँगी इससे। इसमें है अंडी का तेल, आप लोग को पता होगा छोटे बच्चों के लिए अंडी का तेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो बस मैं उसी से करने वाली हूँ। दवाई मैंने खिला दी है और शाम से मैं लगी पड़ी हूँ इसमें कि ये सो जाए, मुझे भी नहीं सोने दे रही। मेरी कमर का बैंड बच गया, मैं बहुत थक चुकी हूँ, 3 दिन मैं डायपर चेंज कर चुकी हूँ शाम से अब तक, तो इसको नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा अंडी के तेल की सिकाई कर दूँ, तो उसके लिए एक कैंडल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गरम गरम तेल लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और आज का व्लॉग ज़िंदगी में पहली बार, 4 साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए, 4 साल में पहली बार ये व्लॉग रात के 2:30 बजे शुरू हो रहा है ना। फिर बाद में तो क्या ही हो क्या ही जाने, लेकिन वही है भैया, नींदें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और ना बिल्कुल भी सहारा नहीं है, मतलब आपके जीजू का भी बिल्कुल इनका कोई सहारा नहीं है। वरना वैसे ऐसे होता है कि कभी हस्बैंड संभाल लेते हैं, कभी वाइफ संभाल लेती है, थोड़ी बहुत नींद हस्बैंड की पूरी हो जाती है, थोड़ी बहुत वाइफ की पूरी जाती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे घर में जो भी करना है मुझे ही करना है, तो फिर बस मैं ही लगी पड़ी हूँ बच्चे के साथ। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए, बच्चा भी इंतज़ार कर रहा है और क्षमा भी पूछती जा रही है, और क्षमा मेरे पास एक ही है, तो बस मैं अब जल्दी से इसकी सिकाई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे करती हूँ। ये मैंने यहाँ रख दिया, हालांकि थोड़ा रिस्क का काम है क्योंकि यहाँ पर बिस्तर है, बट इतना रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ये मैंने अंडी का तेल लिया हाथों में, हालांकि फिर ये मैंने हाथों में तेल ले लिया। अब मैं इसको अपने हाथ पर ना कैसे खुद असर करो, मम्मी क्या कर रही है, इसने परेशान कर रखा। लगाऊंगी ना तो रिस्क हो जाएगा मामला, अरे बहन तू तो खड़ी हो जाए। इस तरह से बच्चे की पसली पे, बच्चा कहाँ है, बच्चा गिरा, बच्चे की पसली पे लगा। हाँ 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 हाँ
भी दिखा देते हैं, और बच्चा और इस तरह से बच्चे की पसली पे अंदर अंदर हाथ करके सब जगह लगा दें, ठीक है। अभी हम पीछे भी लगाएंगे, सेम प्रोसीजर इसकी बैक पे भी करेंगे, ठीक है। इन्हें मार दी, चोना चोना क्या है ये, चोना चोना बस बस, देखो मम्मा क्या कर रही है, मैंने से शटर बंद कर दी थी कैसे भी करके ये सो तो जाए। इन बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा कि इन्होंने हमारी कितनी नींदें खराब करी हैं रातों की, और जो कि हर माँ ही करती है। फिर बच्चे बड़े होके क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, यह जो किया है वो आपका फर्ज था। चलो चलो, अच्छी बोलेगी मम्मा, अच्छी पीछे मिलेगी, पूरा बाजार यहाँ पर लगा हुआ, पूरा बाजार लगा हुआ। ये दवाई खिला चुकी हूँ, ये दवाई खिला चुकी हूँ, ये बोले ठीक है। ये जो तेल है मैं इसे लहसुन और सरसों के तेल से मालिश करती हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप मालिश किससे करते हो, तो मैं इस तेल से करती हूँ। तो इसको मैं यहाँ इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं ना जब भी डायपर पहनाती हूँ, जब भी, ऐसा नहीं कि रैशेस का वेट करती हूँ, जब भी डायपर पहनाती हूँ तो ये तेल मैं अंदर लगाती भी हूँ, ठीक है। अंडे का तेल भी यहीं लगा रखा है, पानी पिया था अभी तो उसको एक्सक्यूज़ करना। और आयरा तो मेरे पास हो रही है यहीं पर, और लिबा उसके पापा बाहर सो रहे हैं, वो लोग टीवी देखते देखते बाहर ही सो गए। वो सो जाते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो यहीं सोए, उनको जहाँ मन करता है पूरे घर में वो सो जाते हैं। तो बस वो लोग सो गए हैं, मैं रातें काली कर रही हूँ, जग रही हूँ। आज मैंने उसका फ़ोन आ गया था, तो 11:20 पे उसका फ़ोन आया था, तो बातें चलती रही चलती रही। तो मैंने उसका फ़ोन रखा है 1:30 बजे, 2 घंटे ऑलमोस्ट उससे बात करी थी। तो मैंने रख दिया कि मैं शायद थोड़ा सो पाऊँ, लेकिन मैं गलत थी। ये जो छूना है ना, छूना ये नहीं छूने दे रहा है, ये छूनू नहीं छूने दे रहा, छूनू ये छूनू आपको परेशान कर लो मम्मा को, हाँ मम्मा को खूब परेशान कर रखा है। छब्बा सुन रही है, देख रही है, खूब परेशान कर रखा है मम्मा को, छो जाओ गप्पू, वो गप्पू छो जाओ। हालो देखी मेरी, बहुत कह रहे थे ना आप भी सुंदर लग रही, सुंदर लग रही, देखा। अरे मैंने ऑटो कर, ओहो कब से अंधेरे में ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा ब्लॉग अंधेरे में ख़त्म कर दिया। फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी तो अब जल गई है, मुझे पहली बार पता चला आगे की फ्लैश लाइट ऐसे जलती है। तो हाँ, यहाँ पर आप शोना को देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, चुनू ये चुनू का करी बे, मम्मा को परेशान करी बे, छोना बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही हैं। मेरे को ना इसे सुलाना होता तो मैंने इसके शटर ऐसे बंद कर दिए, टूं ना कुछ दिखेगा सो जाएगी, लेकिन अभी उसको नहीं करना, अभी उसको नहीं करना। अल्लाह हाफिज़ कर दो, गुड नाइट कर दो आंटी। आंटी का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। चलो तो अब मैं आंटी में लग जाती हूँ और आपसे सुबह मिलेंगे। सुबह पता नहीं कैसे उठूँगी, आयरा का स्कूल है, और अब अभी तो आपको टाइम दिखाया 2:30 बजे थे, अब बज गए होंगे 3, तो अभी भी सोने का कोई चक्कर नहीं है। मुझे लग रहा है 4 बज जाएंगे, पता नहीं सोने को भी मिले ना मिले, ये भी हो सकता है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आयरा को भेज के और फिर मैं आराम से सो जाऊँ,
क्योंकि फिर लिबा है, फिर वो भी बच्चा परेशान करने वाला है। मतलब अगर ये दोनों स्कूल जा रही होती ना तो भी अच्छा होता, तो कम से कम ये होता कि दोनों को भेज कर फिर मैं आराम से सो जाती। कल मशीन भी लगानी है, तो अल्लाह ही बेहतर जाने मेरा क्या होने वाला है। मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ की बहुत ज़रूरत है। चलो फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह मॉर्निंग में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग तो जी, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने ना आरा को स्कूल भेज दिया, और मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है ना, हालांकि नींद मुझे बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी आरा को स्कूल भेजना जरूरी था, तो वो मैंने भेज दिया। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा लेट तो गई थी, लेकिन मैं सोची थी कि मैं सो जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरी नाकाम कोशिश आधे घंटे तक रही और फिर मैं उठ गई। अब मैंने लगा ली है मशीन, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कपड़े ही कपड़े हैं घर में। ये देखिए, ये कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, और इसमें अभी धुल भी रहा है मशीन में। तो ये मशीन में अभी धुल भी रहे हैं, एक बंच डाल चुकी हूँ, और बाकी ये बंचेस बना बना के मैंने रख दिए हैं। और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ते के साथ साथ ये सब काम चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म हो सकते। ये काम तब ख़त्म होंगे जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सही बता रही हूँ आपको। सामने ना हवेली में, हम तो इसे हवेली कहते हैं, इसमें काम चल रहा है, दिवाली आ रही है ना, तो पेंट करा है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप लोगों को याद होगा पिछली बार कुछ लाइट ब्लू कलर का था, इस बार क्रीम और ये थीम रखी है। क्रीम नहीं है, ब्राउनिश सही है कुछ। अच्छा, मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है ये, पसंद शायद जब ज़्यादा आता, मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसमें ना डार्क ब्राउन कलर का वो जो बॉर्डर होता है, तब ये एकदम खुल के आता, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद, उनका घर उनकी मर्जी ना भैया, हमें क्या। हम तो बस अपना बता रहे हैं कि हमें ये पसंद कम आया है। तो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि रात को ना, रात के बर्तन नहीं धुल पा रहे हैं आजकल, ज़्यादातर ये हो रहा है, कभी कभी धुल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी धुलते, तो रात के भी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगी है। तो मैं बर्तन भी दिखा दूँ कि अभी मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। ये देखिए, अभी तो जान को बहुत सारे काम पड़े हैं, तो करेंगे भैया धीरे धीरे सारे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में हम बनाएंगे चाय। बस यहाँ पर मैंने चाय का पानी रख दिया। अब चाय का पानी इन द सेंस, मैं ना एक साथ रखती हूँ दूध और पानी एक ही साथ, और मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा पीने लगी हूँ। मुबारक हो। नाश्ते में हम खाएंगे गोभी का पराठा। ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है तैयार, तो बस अब मैं इसका फटाफट से पराठा बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा पराठा भी बन के हो गया है रेडी, गोभी का यम यम सा पराठा। अरे, मुझे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि गोभी का पराठा ठीक है, तो आपका ऐसे कैसे बन जाता है, बिल्कुल गोल पट्टा नहीं है। तो हाँ, थोड़ा बहुत क्रैक्स वगैरह तो आ जाते हैं, जैसे कि ये बस हल्का फुल्का, बाकी तो अल्लाह के शुक्र है सही बनता है। अब ये क्यों बनता है ये तो मुझे नहीं पता भाई।